नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए रेलवे से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल वो खबर क्या, आइए पूरा विस्तार से समझते हैं। उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, विश्व में भारत का क्या मुकाम हासिल हो जाएगा भारत को, उसके बाद क्या उसके ग्रोथ में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा, इन सब चीज़ पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो भारत की अभी न्यूज आ रही है इंडियन रेलवे के लिए, ये बुलेट ट्रेन से रिलेटेड न्यूज है। दरअसल एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भारत का चल रहा है, जो मुंबई से लेकर के गुजरात के अहमदाबाद तक के लिए एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि प्रोजेक्ट जापान के टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। जापान की ही बुलेट ट्रेन चलेगी, ये तो न्यूज पहले की है, उससे इस प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। आज की जो न्यूज है ये बिल्कुल अलग ही तरह की न्यूज है। अब आपको बताते हैं कि क्या है। दोस्तों, दरअसल भारत में एक नई चीज़ की शुरुआत होने जा रही है। इंडिया अब खुद की बुलेट ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अपनी ही टेक्नोलॉजी होगी, अपना ही प्लेटफॉर्म होगा, अपना ही सब कुछ होगा, बाहर का कुछ नहीं, 100%। अब आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। दरअसल दोस्तों, इंडिया में बुलेट ट्रेन जो जिस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन जब 2019 में चल रही थी तो इसकी स्पीड हुआ करती थी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की। फिर उसके बाद 2022 में आए तो इसकी स्पीड बढ़कर 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और 2024 की अगर बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई है। तो इसकी स्पीड में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये अपने चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ICF जिसको बोलते हैं, ICF में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये हमारी वंदे भारत है, ये बहुत ही सक्सेसफुल है। इसकी सक्सेस अब ऐसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये भारत सरकार ने ये बोला है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है अब इसका हम स्लीपर वर्जन भी लेकर आएंगे, इसमें मतलब स्लीपर भी होंगे, और ये 2024 में ही हो जाएगा, इसके स्लीपर आ जाएगा, मतलब अगले 6 महीने में, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। अब बात करते हैं कि जो हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी हमारा एक एग्जिस्टिंग बुलेट ट्रेन का स्पीड है, उसकी जो जापान की जो बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन, उस ट्रेन का नाम है वो, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और जो उसकी हाई स्पीड है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की है। तो दोस्तों, ये जो वंदे भारत ट्रेन है हमारी, अभी 220 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारी टेक्नोलॉजी और उस पर लगेगी तो इसकी स्पीड हम 250 किलोमीटर से ऊपर लेकर चले जाएंगे। ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी स्पीड जो होगी वो 250 किलोमीटर के ऊपर ही जाएगी। अब इसका सक्सेस रेट आप इससे समझ लीजिए कि जो बुलेट ट्रेन है उसको 0 से लेकर के 100 की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, पहुंचने के लिए 54 सेकंड का टाइम लगता है, मतलब 54 सेकंड्स में जो बुलेट ट्रेन होती है 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड में आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें अपनी जो वंदे भारत ट्रेन है, इसमें 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने के लिए इसको 52 सेकंड्स का टाइम लगता है। इट मीन्स कि 2 सेकंड्स पहले ही ये अपनी टॉप स्पीड पे आ जाती है, नॉट टॉप स्पीड बट 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पे ये आ जाती है। ये उससे काफ़ी अच्छा है, बुलेट ट्रेन से भी स्पीड में है। इट मीन्स कि अब हम इस पर और काम करेंगे और इसकी जो स्पीड होगी 250 किलोमीटर से ऊपर की इसकी एवरेज स्पीड चली जाएगी। अगर इसकी हाई स्पीड, टॉप स्पीड की बात करें तो वो अप्रॉक्स 300 किलोमीटर के पास जाएगी, बट वो थोड़ा टाइम लेगा, अभी नहीं होने वाला वो। तो ये तो दोस्तों न्यूज है। अब ये समझ लीजिए कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा। अब और ये तो हमारी जो 250 किलोमीटर की अभी हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, क्या दुनिया में और भी कोई ट्रेन है जिसकी और भी स्पीड ज़्यादा हो? तो दोस्तों, सब दुनिया में जो सबसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो चाइना के पास है, उसका नाम है संघाई मैगलेव। उसकी जो स्पीड है 460 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वो तो बिल्कुल रॉकेट समझ लीजिए, इतनी स्पीड से भागती है। और जो हमारी वंदे भारत है, जो हम जिसको हम बुलेट ट्रेन का नाम देने जा रहे हैं,
इसकी एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन आप एक चीज़ और भी समझ लीजिए, ये जो एवरेज स्पीड होगी ये हमारी अपनी ही टेक्नोलॉजी होगी और प्लेटफॉर्म सेम होगा, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पर चलेगी। इससे हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी, खुद की हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी होगी, हमारे ही लोग इसको बना रहे होंगे, हमारे ही लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे ही ग्रोथ की जो चार चांद लगेंगे ये हमारा ही है। अभी जो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, वो जो जापान का प्रोजेक्ट है वो ऐसा ही चलेगा, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक के लिए जो 12 स्टेशन है उसको पूरा वो कंप्लीट करेंगे और उस पर वो सेम बुलेट ट्रेन चलेगी जो उनकी है, उससे वंदे भारत से कोई लेना देना नहीं है। शिनकानसेन जो उनकी बुलेट ट्रेन है वही चलेगी, उसकी अपनी एक कॉस्ट है, वो अपनी वो जापानी उसकी फंडिंग कर रहा है, वो अपना सब कुछ अलग है, ये हमारा अलग है। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि जिस वक्त हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी उस वक्त हमारा इसका कितना नाम होगा, जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशनल कर देंगे। इवन अभी समझ लीजिए कि जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं अभी वो बुलेट ट्रेन को मांग रहे हैं जो स्टैंडर्ड गेज पे चलती हैं, सोचिए अभी जब वो मांग रहे हैं और जब इसका हम मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ऑपरेशनल कर देंगे बुलेट ट्रेन, तब इसकी और कितनी डिमांड होगी, सोचिए एक्सपोर्ट हमारा होने लगेगा। बुलेट ट्रेन एक्सपोर्ट करना अपने आप दुनिया में एक अपने आप को स्थापित करने के बराबर है, अपना नाम और बड़ा कर देने के बराबर है, सोचिए वो टाइम कितना अच्छा होगा। इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ रही होगी, लोगों के लिए जॉब्स भी आ रही होंगी और हम दुनिया में अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर चुके होंगे और एक्सपोर्ट कर रहे होंगे बुलेट ट्रेन, जो हमने कभी सोचा नहीं था पहले। हम सोचा क्या नहीं था, अब आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि जापान हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बना रहा है, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब हमने सोचा ही नहीं था, दूसरे से हम बनवा रहे थे। इवन अब टाइम ऐसा आ चुका है कि हम उसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग करके और 100% टेक्नोलॉजी हमारी होगी, ये भी नहीं कि किसी और की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, हमारी ही टेक्नोलॉजी होगी, हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, हमारा ही पैसा होगा, जॉब्स भी हमारे ही लोगों को मिल रही होगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और आपको बता दें कि ये बड़े बड़े जो कंट्रीज होते हैं इनकी जो बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है टॉप स्पीड, ये भी 300 किलोमीटर के आसपास ही होती है। जो फ्रांस की जो बुलेट ट्रेन है उसकी भी एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर के आसपास है जो टॉप स्पीड है, और जो एवरेज स्पीड होती है वो भी करीब 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर के आसपास ही होती है। हम भी उसी चीज़ को मैच कर जाएंगे, हमारी भी जो टॉप एवरेज स्पीड होगी 250 किलोमीटर के ऊपर होगी जैसा कि अभी बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, हम सभी भारतीयों को इसका सपोर्ट करना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दोस्तों अब इससे जो भी अपडेटेड न्यूज आएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अब इसमें डेवलपमेंट ऐसे होती रहेगी और बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इससे रिलेटेड, बुलेट ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।